नीमच में आज लायंस पार्क पर यातायात सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच न्यायालय के अधिकारी व पुलिस कप्तान राकेश सगर और एडिशनल एसपी राजीव मिश्रा सहित यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारी और ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंच मौजूद रहे। यातायात सप्ताह के दौरान सभी अधिकारियों ने मंच के माध्यम से अपनी अपनी बात कही और दुर्घटना से कैसे बचा जाए उसके उपाय बताए। अधिकारियों ने कहा कि अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें, क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यातायात सुरक्षा सप्ताह था, वह समापन हुआ और इसमें चूंकि सप्ताह भर हम लोगों ने कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जो यातायात की अवेयरनेस से संबंधित थे, चाहे चित्रकला हो, चाहे निबंध हो, चाहे हमारे जो है जो ड्राइवर हैं उनका हेल्थ चेकअप हो। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये चूँकि जो ग्राम पंचायत हमारी हैं उनमें हेलमेट बैंक के तहत हम लोगों ने हेलमेट वितरण किए हैं और इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एटलीस्ट 20-20 हेलमेट देना है, ताकि कम से कम जो है वहाँ से कोई व्यक्ति अगर बाजार आता है तो वो उस हेलमेट का उपयोग करेगा और 50 रुपये टोकन मनी जमा कराएगा। जब अपना काम को करके वो वापस लौटेगा तो हेलमेट पुनः जमा करा देगा और अपने 50 रुपये वापस ले लेगा। इस प्रकार ये पूरा योजना निःशुल्क है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है अवेयर कर रहे हैं ताकि उनके एक हेलमेट लगाने की परंपरा जो है वो अपना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे एक्सीडेंट के प्रकरण है उसमें 80% वो प्रकरण हैं जो हेड इंजुरीज से हुए हैं, जिसमें टू व्हीलर का यूज हुआ है। इसमें जो अभी प्रकरण हम लोग देखें कि प्रत्येक व्हीकल जो एक घटना में कम से कम 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो ये इसको देखते हुए हम लोगों ने चूँकि हमारा जो हेलमेट बैंक है उसी को हम लोग जो है सुदृढ़ करते हुए पूरे ज़िले में ये हम अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ यातायात व्यवस्था के लिए फंड आया था, उसमें चूँकि हम लोगों ने लिखा था कि हम SC ST जो पंचायतें हैं उनमें हेलमेट वितरण करेंगे और प्रशासन को भेजा भी है। बाकी चूँकि कुछ वॉलेंटियर्स है, खासतौर पर हमारा ये अडानी का, उसने हमें कुछ दिए हैं, वो हम अगले लॉट में आ रहे हैं। कुछ आपका विक्रम सीमेंट फैक्ट्री, इनसे बात की है और कुछ हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ज़िले की प्रत्येक पंचायत को हम लोग उसको पूरा कर सकें। हाँ, ये आज हमारा यातायात सप्ताह समाप्त हो गया। अब चूँकि हमारी जो कार है इसमें हेलमेट बैंक के तहत हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हेलमेट वितरण करना और साथ में ही हमने जो स्कूल है हमारे इनमें जो प्रेयर होती है, प्रेयर के साथ ही हम लोग एक यातायात नियम संबंधी एक उनको फ्लैक्स देंगे और वो उसी समय वो वाचन करेंगे जब उनका प्रेयर होता है प्रेयर के बाद। तो हमारे बच्चों में भी जो है अवेयरनेस की जो कार्यक्रम करेंगे तो इससे जो है कहीं ना कहीं जब बच्चे अवेयर होंगे तो वो अपने गार्जियन को वो अगर समझाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली ये चूँकि एक अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किया है, इसका चूँकि हमने पूरी जानकारी शासन लेवल पर भेजी है और चूँकि शासन का विषय है इस पर शासन कितना प्राथमिकता देता है। हालांकि चूँकि हम लोगों का यही सोच है कि चूँकि हमारा जो हिंदुस्तान का अधिकांश पॉपुलेशन बेसिकली गांव में रहती है और जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हाईवे पर होते हैं, शहर की जो नगरपालिका की सीमा है उसमें बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए जो है जो ग्रामीण जन हैं उनको सुरक्षा का भाव ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, वही हम लोगों ने अपनी प्राथमिकता में लिया है। हाँ, बात सही है, क्योंकि क्या रहता है कि मान लो घर में एक ऐसा जो अर्निंग करने वाला ही व्यक्ति है, चूँकि घर का मुखिया है और वही अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके पीछे बच्चे हैं, तो बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए तो उनका भविष्य जो है ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ऐसी ये वो है कि इसमें देखा जाए हमारा जो रोड एक्सीडेंट है वो हमारे जो मर्डर के केस हैं उससे 10 गुना ज़्यादा है। हमारे मर्डर 8 हुए हैं और जबकि 84 लोग इसमें जो है कैजुअलिटी हुई हैं, तो ये 10 गुना मतलब कम से कम लोग की जो है मृत्यु हुई है, ये एक चिंता का विषय है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।